साथी ओला अवर आज मेरी मामा बनाने वाली है मेरी नानी के स्टाइल का आलू मटर की तहरी। तो चलिए देखते हैं। आ रहे हैं आलू मटर पुलाव। उसके लिए हमने दो लिए हैं तेज पत्ता, दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग। अब हम इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद हमने दो प्याज को दरदरा पीस लिया है। फिर हम डालेंगे इसमें। गोल्डन ब्राउन करना है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसे अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज दोनों अच्छे से भूनेंगे। यह एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। दो चम्मच पानी देके इसे अच्छे से और भूनेंगे। हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है और ये हम डाल रहे हैं। टमाटर खुद पानी छोड़ेगा, इसे हम ढक के 5 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, एक कटोरी दही को जो हमने फेंट के रखा था, अब इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल खट्टी दही नहीं है, इसे भी मिक्स करेंगे। दही भी पानी छोड़ेगा, मसाला और अच्छे से पकेगा। 5-10 मिनट और पकाएंगे इसे अच्छे से। हमारा रेडी होने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। हमने एक कटोरी मटर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे। अब इसमें हम आलू भी डाल देंगे। ये मैंने दो आलू को लिया है, इसको हम यहाँ पे हमने एक आलू के 4 टुकड़े किए हैं। बासमती चावल को हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, अब हम इसे यूज करेंगे। चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें ये चावल। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 2-3 मिनट और अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा चावल भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 1.5 गिलास चावल में 3 गिलास पानी हमने इसको खौला लिया है, अच्छे से बॉईल करके इसमें डालना है। 3 गिलास हम पानी इसमें डालेंगे। इसे हम 2-3 मिनट पर तेज आंच पर पकाएंगे, फिर इसे मीडियम आंच पर कर देंगे। मीडियम आंच में पका रहे हैं। 3 मिनट तक पक चुका है, अब इसे हम मीडियम आंच में पका रहे हैं। आलू मटर पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। उससे पहले हम इसमें मिर्ची, हरी मिर्च डालेंगे, फिर धनिया पत्ती डालेंगे इसे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। इसका जायका हमारी अलीजा बताएंगे। अब मेरी मामा ने मुझे सर्व करके दे दिया, मैं इसका जायका बताने वाली हूँ। और आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं और दही के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जायकेदार बना है और इस रेसिपी को आप लोग अपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अलीज़ास मॉम किचन। बाय।